एक मानसिक रोग है जिसको अपन बहुत ही सामान्यतः लक्षणों से पहचान सकते हैं, जैसे कि मन उदास रोना, किसी काम में मन नहीं लगना, या भूख का कम या ज्यादा लगना, या नींद का कम या ज्यादा आना। इन प्रकार के लक्षणों से अपन डिप्रेशन को आसानी से पहचान सकते हैं। डिप्रेशन होने के लिए कुछ कारण रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि कुछ एंडोजेनस फैक्टर लाइक हाइपोथायरायडिज्म, थायराइड की कमी, या हाइपरकॉर्टिसोलेमिया, स्टेरॉयड हार्मोन की ज्यादा होने से भी डिप्रेशन होता है, या फिर कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जिसमें मुख्य कारण स्ट्रेस है। और आजकल की जो भागदौड़ वाली जिंदगी है उसमें स्ट्रेस बहुत ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है, और लोगों का जो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस है या सहनशीलता है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। अपनी लाइफ से एक्सपेक्टेशंस लोगों के बढ़ रहे हैं जिसके कारण डिप्रेशन के चांसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं जनरल पॉपुलेशन में। मेरा आप समाज को बस यही कहना है कि डिप्रेशन के लिए अपन को जागरूक होने की जरूरत है। जो व्यक्ति डिप्रेस्ड है उसको किसी साइकियाट्रिस्ट या मनोचिकित्सक की सलाह की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि समाज में आप देख रहे हैं कि सुसाइड रेट और लड़ाई झगड़े ये सब डिप्रेशन के कारण ही बढ़ रहे हैं। तो बस मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप डिप्रेशन को आसानी से पहचानें, उसके लक्षणों को पहचानें और उसकी लड़ाई में हमारा साथ दें।